तो जी हमारे द्वारा बनाई गई चटपटी रोटियां जो बच जाती हैं, उनका जबरदस्त नाश्ता, उनका जबरदस्त नाश्ता किस तरीके से बनता है ये देखो आप, ये आप सब हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे। ये रोटियां हैं, ये प्याज है, ये टमाटर है, आप चाहे उतनी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं मौसम, जितना भी गाजर फलाना ढिमका मौसम के अनुसार जो जो चीजें मिलती हैं वो सब चीजें। बाकी आज के टाइम पे जो और सब्जियां मतलब अड़ंग बड़ंग जो बनाते हैं फास्ट फूड वगैरह, उन सबसे बढ़िया बनेगी, टेस्टी बनेगी, स्वादिष्ट बनेगी, बच्चे खुश होकर के खाएंगे। इनके अंदर बच्चों की फेवरेट है, बस रोटियां बचती नहीं है इसलिए बहुत सारे बच्चों की होगी, मुझे पता है इस चीज का। गांव में जितने भी बच्चे हैं सारे कितना शौक से खाते हैं, शौक से खाते हैं। बस थोड़ा सा ये जितनी और कुछ सब्जियां आपके पास हो तो बना देना, हम तो आज एक मतलब ये समझो कि फॉर्मेलिटी के लिए बच्चों को बना के दे रहे हैं। गांव में प्याज टमाटर भी नहीं डालते हमारे, खाली जीरे में डालते, बिल्कुल नहीं डालते। और ये करी पत्ते ले लिए हमने, ये करी पत्ते बहुत पौष्टिक होते हैं आप सबको पता ही है। और सर्दियों में धनिया मिल जाता है, भर भर के धनिया डाल दो, मीठा नहीं धनिया अपने पास भी, वो काटेंगे अभी। और इसमें ले लिया तेल, आज तो पूरा दिन रेसिपी में ही गया, कारण मैंने बांध रखा ये तौलिया। और अभी मैंने एक चीज डिसाइड किया है कि आज शाम के टाइम पे है ना, जैसे कल भी मेरी रेसिपी आई थी सुबह के टाइम पे, आज भी आई थी, आने वाले कल को भी आएगी, जो जो चीजें हम बनाते हैं वो चीजें शेयर करके छोटे जितने 2-4-5-7 मिनट का जितने मिनट का होता है अपने पास एक्स्ट्रा व्लॉग वो डाला करेंगे। उसके अंदर अगर कुछ कमी रह जाए तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसके अंदर ये भी ऐड करो। और आप लोगों के कमेंट्स आते थे मेरे चैनल पे कि दीदी रेसिपी शूट क्यों नहीं की, तो अब रेसिपी जो भी होगा ना आप लोग अपने स्टाइल से बताना है ना। हाँ, उसके अंदर कुछ अलग से और कोई चीज ऐड करनी है वो सब चीजें आप बताओगे, या फिर ऐसे बताओ कि भाई इस चीज की रेसिपी हमारे राजस्थान की कुछ भी स्पेशल, जो भी स्पेशल आपको लगे, जो सुना हुआ हो, शायद ही ऐसी कोई चीज हो जो मेरे को नहीं बनानी आती, मैं बनाने नहीं, रुको आपको कोई नाम ही नहीं है, मुझे नहीं बनानी आती हो, ठीक है, आप तो सिर्फ बताओ कि ये चीज काम है किस तरीके से बनाते हो, ये बताओ। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वेस्ट इंडियन, लगभग 100 में से 90% वो हमें कमेंट करके आप बताओ, वो चीज हम आपको पक्का बढ़िया तरीके से और बनाने का तरीका आपको बताएंगे। साउथ इंडियन भी टोटल आई है ना, साउथ वगैरह भी सारा, थेपला, इडली, डोसा फलाना ढिमका जो भी है, मसाला डोसा, बोंडा, बोंडा, थेपला, वगानी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने ट्राई नहीं की जब मैं रुद्रपुर में, जब मैं चैनल पे काम नहीं करती तब मैं बनाती थी क्योंकि माइंड फ्री रहता था, मेरा कुकिंग मेरा शौक रहा है। आप लोगों ने देखा होगा टिफिन सेंटर भी हमने चलाया है। तो चलो अभी बन जाए, इसमें डाल दिया है जीरा, जीरा बीरा, हमारे घर में सारा खाना सरसों के तेल में बनता है, एकदम से छू से हुआ था ना इसलिए मैंने बंद कर दिया। और बाकी इन्होंने बताया कि सरसों के तेल में बनता है, मैं तो ये कहता हूँ मेरे पूरी YouTube फैमिली से, अगर बच्चों को और अपने खुद को और अपने मतलब परिवार को सबको हजारों बीमारियों से अगर बचाना है तो सरसों का तेल यूज करो। ये रिफाइंड फलाना टिमका बहुत महंगे महंगे आते हैं, हमने भी बहुत खाए हैं, झूठ नहीं बोल रहा, आप सबको पता होगा रेनू स्टैंडअप जिस टाइम हम जॉब करते थे बहुत शौक पूरे किए हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े लोगों से समझदार लोगों से सुना है और देखा है सच्चाई जानना है, क्योंकि जो रिफाइंड तेल आप लोग जो सबसे महंगा यूज करते हो ना, उस कंपनियों का काम भी मैंने किया है, ट्रांसपोर्ट में था मैं और मैंने 12 साल बिताए ट्रांसपोर्ट में, बहुत सारे तेल का ही काम था हमारे, ज्यादा तेल और घी का काम होता था। और एक चीज और बताऊं, सब के सब इतने गंदे चीज हैं जिनसे हजारों बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर की बीमारी होने का सबसे मेन कारण है, ठीक है। ये भी हमने बनाई थी, जिन्होंने नहीं देखा है तो जरूर देखे, चैनल पे वीडियो आ चुकी है। और इनको उतारने में भी कोई झंझट नहीं, बस मैंने काटी नहीं शेप में, बहुत बढ़िया बनी थी, स्वादिष्ट, शेप में काटने का कोई मतलब नहीं था, मैंने सोचा ऐसे उखाड़ के निकाल देते हैं, तो ये देखो। तो भाई अपना तो कहना यही है, बाकी आप सब लोगों की मर्जी है, जो बनाओ बना लेना, बाकी मेरा यह कहना है सरसों का तेल यूज करो बस। ये देखो प्याज का कलर चेंज हो गया, मतलब 70% प्याज का, एक दो सफेद बच्चे इसमें डाल देंगे। टोमेटो, टमाटर,
अब इसमें डाल देंगे सेंधा नमक, जहां तक कोशिश हो सेंधा नमक यूज करो, टाटा बहुत खाया है आप सबको पता होगा, सुनते होंगे आप सब लोग। ये लाल मिर्च, खैर इसमें हमारी गलती है कि हमको पैकेट वाली करती, नहीं तो बांटी हुई करनी चाहिए यूज। ये क्या है? ये है, मैं सांभर मसाला डालती हूँ। वैसे सबसे बेस्ट है पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला सब्जी में किसी में भी डाल दो, पाव भाजी मसाला सांभर मसाला दोनों अच्छे हैं, बच्चे खाएंगे तो। हाँ जी, हमने डाली क्योंकि सांभर मसाला में थोड़ा सा, क्या नहीं डाला? हल्दी हमने नहीं डाली क्योंकि सांभर मसाला में थोड़ा सा येलो कलर अपने आप आ जाता है। अच्छा, थोड़ी सी डाल दे फिर, डालो तो ना कोई जरूरी नहीं है, हल्दी की जरूरी नहीं है अगर सांभर मसाला हमने डाल दिया तो। वैसे अगर घर के अंदर डाली हुई मतलब पीसी हुई अगर हल्दी है तो डाल सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। अब ये मसाला हो जाता है तैयार, और उसके बाद में हल्दी आप अपनी चॉइस पे डाल सकते हो, वैसे वो सिर्फ रंग के लिए डाली जाती है और हेल्थ के लिए, तो इसमें मैं तो मेरे को रंग चाहिए, और रोटियां वैसे हेल्दी है तो उसमें कुछ भी अच्छा है भी नहीं। बाकी ठंडी रोटियां सुबह सुबह दूध के साथ अगर खाई जाएं तो वो भी अच्छी होती हैं। ये हमारे पास दो दिन से बच गई थी, चूल्हे की थी इसलिए बनवा ली, नहीं तो मैं नहीं बनवाता। चूल्हे की रोटियों का तो पता ही आप सबको, बहुत लाजवाब टेस्टी स्वादिष्ट होती हैं। अब इसको थोड़ी देर कुरकुरा कुरकुरा भून जाए थोड़ी सी, थोड़ा जितना थोड़ा ज़्यादा चलाओगे ना थोड़ा सा कुरकुरा हो जाएगा, और कुरकुरे फिर नमकीन जैसा स्वाद आएगा, बच्चों को बहुत मजा आएगा। ये ऑयल रिलीज कर देगा अपने आप थोड़ी देर में। जी बताओ, 7-8 मिनट सेकने के बाद में ये कुछ ऐसी हो चुकी है एकदम करकरी करकरी, ये काली दिख रही है कैमरे में, वैसे काली नहीं है। फ्लैश ऑफ करो, एक बार लाइट को खाना ना। बाकी मतलब ये समझो ना, करकरी करकरी हो जाएंगी, फिर ये ठंडी होते हैं बच्चे खाएंगे बहुत खुश होकर के, टेस्टी लग रही है एकदम टेस्टी। बस अब बंद कर दो आप, एकदम मंद मंद आंच पे सेकिए, और जैसे नमकीन होती है ना करकरी, उसी हिसाब से हो जाएगी पूरी पूरी। देखो अब दिख रही है ऐसी हो जाएगी एकदम मजेदार, बंद कर दी ना उसने। तो चलो जी, मैंने आपको बता दिया है, और कुछ इसके अंदर कमी रही वो चीज आप बताओगे, और जो चीज आप लोगों को कुछ हमारे जैसे भी हैं जिनको पता है कि भाई ये चीज अपने को चाहिए, चटनी फलाना ढिमका राजस्थानी कुछ भी, वो आप कमेंट करके हमें बता दो भाई ये चीज की रेसिपी चाहिए, वो चीज हम बताएंगे आपको। ओके जी, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय जय श्री राम। पूरे दिन चोट मार लेता है, हाथ में दर्द होता ही है। अरे यार सिवा, तू टेंशन मत ले, आपकी मम्मी को ऐसे कह दिया कर, मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, ज्यादा छेड़ के रहती हो, और क्या करनी चाहिए, नहीं बदमाशी नहीं करेगा कोई भी, बिल्कुल भी, एकदम सीधा सपाट रहा कर, सीधा सपाट मतलब हाथ वगैरह मुड़ने नहीं चाहिए, रोटी भी आपकी मम्मी खिलाएगी, बाइट खिलाओ सिवास को, बाइट दो इधर। दिन में क्या पूछ रहा था ना, मम्मी सदाचारी क्या होते हैं, क्या पूछ रहा था, सुन एक बार, रोटी खा। सदाचारी के अंदर ये थोड़ी लिखा है कि भाई बदमाशी नहीं करते, बच्चे तो खेलेंगे ही, बदमाशी करेंगे ही, रहना चाहिए। ये देखो रोटी कैसे खा रहा है, सिवान मारूंगी मैं। आपने तो बोला था सीधे हाथ करके खा रहा है। हाँ, चुपचाप नौटंकी मत करो, रोटी मैं खिला दूंगी, रोटी ठंडी हो जाएगी। तो भाई ये दही दिन में जमाया था धूप में, इसलिए दही वैसे बहुत मतलब शाम के टाइम पे नहीं खाना चाहिए बताते हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, बच्चे वगैरह होते हैं ना, ये सब एडजस्ट हो जाता है इनका शरीर, और बदमाशी इनकी गांव में। अरे हम तो भाई जेन्युइन चीज है, हमारी तो कोई बात ही नहीं है यार, हमारे राखी है ना वो समझ लो छाछ से बड़ी बड़ी है। बिल्कुल, छाछ के बिना वो बच्ची रोटी नहीं खाती, ना दिन में ना रात को, छाछ ही चाहिए उसको, दूध को तो मुंह ही नहीं लगाया उसने। मुंह ही नहीं लगाया।